माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू यू माय लर्निंग क्लास विद अनिल। टुडे आई विल टेल यू अबाउट सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? देखिए, आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको एलिमेंट्री नॉलेज के बारे में प्रकाश डाला था, शब्द की परिभाषा बताई थी और सेंटेंस की बताई थी। दोबारा मैं आज बताने जा रहा हूँ सेंटेंस की परिभाषा। तो देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिससे उसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। विषय ये उठता है कि वाक्य रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था क्या शब्द, तो मैंने बताया था अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि शब्दों का वह समूह जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, जिससे उसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इसकी प्यारी सी डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, पहला एग्जांपल। दूसरा, यू आर रीडिंग अ लेसन। अब देखिए, मैंने दो एग्जांपल लिए, यहां पर देखिए गौर से, एक और दो। मैंने बताया शब्दों का अव्यय समूह, तो देखिए एक, दो, तीन, चार और ये पांच शब्दों के समूह है। इनको मैंने मिला दिया तो इसका एक पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया। जैसे मैं एक और ले लूं, मोहन इज अ गुड बॉय। अब देखिए, यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच शब्दों को मिला दिया तो इसका एक पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो यहां पर तीन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है बच्चों से, यहां जान लो। क्या सेंटेंस में पढ़ते हैं हम? नंबर एक, क्या काइंड ऑफ सेंटेंस। दूसरा पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तीसरा हम पढ़ते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब देखिए, पहले में काइंड ऑफ सेंटेंस, दूसरे में पार्ट्स ऑफ स्पीच, तीसरे में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इनका बड़ा निकट का रिलेशन होता है। अर्थात जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो तीन चीजें पढ़नी बहुत आवश्यक होती है। काइंड ऑफ सेंटेंस मैं भी आपको बताने जा रहा हूं क्या होता है। तो देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? पांच। नंबर एक आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। नंबर एक आपका कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। ठीक, नंबर दूसरा कौन सा? इंट्रोगेटिव, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, चौथा आपका होता है कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा आपका होता है कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अर्थात रचना के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के? पांच। असर्टिव, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी, इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव, इसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ये रचना के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के? पांच प्रकार के। तो जैसे मैंने वाक्य लिखा, मोहन इज अ गुड बॉय, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आ गया, दैट इज असर्टिव। अब कोई पूछे पार्ट ऑफ स्पीच बेटा क्या होती है, कैसे इस सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे? तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जब हम पढ़ते हैं तो जानते हो इसको कितने, इसके भाग, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, कितने होते हैं? नौ। ठीक, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनको हम जानते हैं। जैसे हम इसको पढ़ें, अब कोई पूछे भैया इसके पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो आप कहोगे सर जी मोहन इज नाउन, इज इज वर्ब, आर्टिकल, गुड एडजेक्टिव, वॉइस नाउन। तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है? तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पार्ट, इसको हम टेबल में बनाए तो एक होता है इसका भाग सब्जेक्ट, और दूसरा इसका भाग होता है क्या? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब मैं इसे पूछूं, बच्चों बताओ सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर मोहन इज सब्जेक्ट, इज अ गुड बॉय इज प्रेडिकेट। अर्थात कर्ता को छोड़ करके वाक्य का शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो देखिए, ये आपका हो गया, क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मोहन इज सब्जेक्ट, इज अ गुड बॉय क्या? प्रेडिकेट। ठीक, काइंड ऑफ सेंटेंस में असर्टिव,
और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मोहन इज नाउन, इज वर्ब, आर्टिकल, कुड एडजेक्टिव, बॉय नाउन। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कि सेंटेंस को जब पढ़ते हैं इनको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। बाकी मैं विस्तार से असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कल मैं विस्तार से बताऊंगा। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।